मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब खाने में कैसा होता है खा के बताती हूँ। वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की कढ़ी। आलू की कढ़ी खाने का मन मुझे इसलिए किया क्योंकि मुझे आज पकौड़ी वाली कढ़ी खानी थी, और पकौड़ी वाली कढ़ी खाने के लिए बहुत ही ऑयली ऑयली सा हो जाता है, तो फिर ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो आज मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ इसका, और इसके साथ मैं बना रही हूँ लिमोड़े की सब्जी। ये भी मैं शायद दूसरी तीसरी बार ही बना रही हूँ। तो आलू की होली के लिए मैंने आलू बॉईल करके छील के रख दी हूँ, और ये मटका है। और नमक मैं एंड में डालूंगी, नमक डालने से ना मट्ठा फट जाता है। ये लगभग पक चुकी है, तो इसमें मैं ऐड करूंगी मसाले। सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए। तो 10 मिनट में पकाऊंगी मसाले और ये बनके रेडी हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो थोड़ी देर इसको पकने देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ कढ़ी, यानी आलू को फ्राई करूँगी। तो ये लगभग फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल दूंगी। यहाँ पे मैंने मट्ठे में सारे मसाले और मेथी मिक्स कर ली है। तो अब मैं भून रही हूँ आटा थोड़ा। ओहो, ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा नहीं, बहुत गर्म हो गया है, तो जल ही गया। इसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक भूनूंगी और उसके बाद इसमें मिक्स कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें लगेगा, इसको फिर उबालेंगे। पानी चाहिए। थोड़ी देर उबलने के बाद इसमें मैं मिक्स करूंगी नमक। तो इसको उबलने देती हूँ, काफी उबलने की जरूरत है इसे, क्योंकि मैंने मसाले तो पकाए नहीं, तो इन्हें उबालना पड़ता है। तो अब मैं मिलाऊंगी इसमें नमक। ये अब उबल चुकी है, और नमक डालने के बाद भी थोड़ा सा इसे उबालूंगी। ओहो, ये आटा गिरा हुआ है। उबल चुकी है अच्छे से, और आलू तो इसमें एंड में मिक्स कर डालूंगी मैं, क्योंकि
कि अभी से डालूंगी तो वो अजीब से हो जाएंगे। तो ये रही मेरी आलू की झोली, लेमड़े की सब्जी और चावल। गाइस ये बन चुका है मेरा खाना, दिखने में बढ़िया डिलीशियस लग रहा है, मस्त, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब खाने में कैसा होता है खा के बताती हूँ मैं आपको। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी हो रहा है, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, सच्ची बता रही। मतलब ये जो आलू बॉईल करके मैंने डाला मैंने, बहुत टेस्टी हो रहा है, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा। और सब्जी ओके ओके हो रही है, लेकिन सब्जी जब कोई और बनाता है तो मुझे उसकी अच्छी लगती है, मेरी थोड़ी अजीब सी कड़वी कड़वी सी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। झोली बहुत अच्छी हो रही है, आप ट्राई कर सकते हो, मस्त, मतलब उसके बाद आप आलू की झोली पसंद करेंगे। तो अब मैं खाती हूँ, ऑलरेडी 10 रायस बज चुके हैं, और इस ब्लॉग की समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ।